गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? एपिसोड 3 लेकर के मैथमेटिक्स का, उसमें आपका रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन ये जानना है, तो रिमाइंडर के बारे में जानना है। जैसे 10 को हम 3 से भागा देते हैं, 3 × 9 हो गया 1, यानी पहला रिमाइंडर 1 बचा। फिर हम भागा दिया 3 × 9, फिर भागा दिया 3 × 9, ये फिर भागा दिया 3 × 9, यानी ये हमारा क्वेश्चन 3 3 आते चला गया। डिविजर 3 था और रिमाइंडर प्रत्येक में एक एक बचते गया। इसी ढंग से 8 भागा 7 को दिया, यहां पर पॉइंट 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, यानी पहले जो रिमाइंडर आया वो 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आया। इसी ढंग से 1/7 को 7 × 1 = 7, 7 × 28, 7 × 2 = 14, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35, 49, और फिर ये पुनः रिपीट कर गया। यानी सब 7 से हम भागा दिया तो पहले रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, 6 आया, फिर 4 आया, 5 आया, और पुनः फिर से 3 रिपीट करते चला गया। तो ये तुम्हारे पास 5 1 3 7 के डिविजर में। आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल को देख रहे हैं। चैनल की विशेषता, 100% मुफ्त शिक्षा देना। पहली विशेषता, रियल कंसेप्ट को सिखाना। दूसरी विशेषता, द रिमाइंडर बिकम 0, किसमें किसमें 0 आया, रिमाइंडर बिकम नॉट 0। अगर नॉट 0 होगा तो वहां पर बात होगी रेकरिंग का। जैसा कि आपने 1/7 वाले में 0.142857, और फिर यही रिपीट करेगा, इसको हम रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग यानी तुम कह सकते हो कि रेशनल नंबर होने के लिए जब हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के पश्चात आपका डेसिमल प्लेस डिजिट हमको जानना चाहिए। अगर हम जान रहे हैं तो रेशनल है, नहीं जान रहे हैं तो इरेशनल है, और रेशनल इरेशनल जहां पर मिला वो रियल है। तो मैं तो भूल गया था कैमरा निकालने के लिए, क्योंकि आप लोग कैमरा का भी मांग करते हैं, तो मैं कैमरा पर हूं आप लोग के साथ। अरे ना भी हूं तो मेरी आवाज ऐसी है ना, आवाज को समझिए, पहचानिए आवाज को। अब यहां पर तुम्हारे पास रेकरिंग को हम कैसे चेंज करते हैं, ये बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। अगर यहां x = 0.3 पर रेकरिंग है, तो यानी हम x बराबर लिख सकते हैं 0 + 0.3 पर रेकरिंग।
यानी 0.3 पर एक रिंग इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 10x, तो यहां पर 3 और 3 पर एक रिंग, तो 10x इज इक्वल टू 3 और 0.3 पर एक रिंग को हम लोग, यानी 0.3 पर एक रिंग, तो यहां पर 10x, 3 और x, यहां 9x इज इक्वल टू 3 हो गया, x बराबर 3/9 कट गया तो 1/3, यानी x बराबर 0.3 पर एक रिंग, यानी यही 1/3। इसको एक और एग्जांपल देते हैं फिर देखना सिखाएंगे मैथमेटिक्स में, जिसको देखने आ गया मैथमेटिक्स उसको आ गया। मैथमेटिक्स आने के लिए देखना बहुत ही जरूरी, देखना बहुत ही जरूरी। इसको हम x प्लस x बराबर लिख सकते हैं जी 1 प्लस 0.27 पर रेकरिंग, यानी 0.27 पर रेकरिंग इक्वल टू x माइनस 1। ये हमारा पहली इक्वेशन। अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x 127.27 पर फिर रेकरिंग। यार ये 100x हो गया ना, यह 127 और ये 0.27 पर रेकरिंग को हम लिख सकते हैं x माइनस 1, x इधर आ गया तो 99xx इक्वल टू 127 माइनस x, x बराबर 127 माइनस 1/99 इक्वल टू 126/99। ये आ गया, देखो क्या देखा, देखा यही कि जिस पर रेकरिंग है दशमलव है सब पहले लिख देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा देते हैं, उतने 9 को लिखते हैं जितना पर रेकरिंग हो और उतने 0 यहां पर बैठाएंगे दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग ना हो। आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। एक्सरसाइज बनाना आम बात, मैथमेटिक्स को सिखाना बहुत अच्छी बात। मैं अपने अपने कॉपी में लिखने का, मैथमेटिक्स फन, मैथमेटिक्स से प्यार करो और देखो तुमको हम कहां तक लेके जाते हैं। ये कहा नहीं हम सकते हैं, तुम अपने खुद कह दोगे कि सर स्पीड बढ़ा है। अरे क्यों नहीं बढ़ेगा, ये 0.35 पर एकरिंग है ना, तो पहले रूल से पहले आंसर लिख देना। आंसर लिखने के लिए तुमको 235 लिखने पड़ेंगे, -2 लिखने पड़ेगा जी, और 99 लिखने पड़ेंगे, दशमलव के बाद 10 एक अंक है ना, 10 हो गया जी। तो पहले तो आंसर लिख दो जी, आंसर लिखने में कोई तकलीफ हुआ क्या जी? तो बिल्कुल मार्केट में आया सर, कोई तकलीफ नहीं, और आंसर हमने लिख दिया, लिख दिया ना, तो थोड़ा आराम कर लो ना। आराम कर लो, आराम क्यों करूंगा सर, आप तो बोलते हैं आराम हराम है। अरे भाई आराम तो कर लो, अरे कछुआ और खरगोश की कहानी नहीं जानते हो क्या? लेकिन इतना आराम मत करना जैसे खरगोश आराम किया था, कछुआ ही जीत गया। आप तो क्लास लेते लेते कभी सो भी लेते, अब बात करते रहेंगे करते रहेंगे, एक बोलेगा हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो यहां पर देखो तुम्हारे पास ना, यह पहला तो तुमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है पॉइंट को रेकरिंग के पास ले जाते हैं, तो 10x हो जाएगा, ये 2 3/5 पर रेकरिंग। अब यहां पर तू 10x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.35 पर रेकरिंग लिख सकता है, लिख सकता है जी। अब इसको तू कर दे 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 235 और माइनस यहां पर 0.35 पर एकरिंग, यहां पर 1000x, यहां 235, तो इसको हम 10x माइनस 2, ये है 990x, 235 माइनस 2, यानी x बराबर 233, 990 आया क्या, आ गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन होगा आफ्टर एनी डेसिमल प्लेस अननोन। अगर जानते हो तो रेशनल, नहीं जानते हो तो इरेशनल।
ये रुटू को देख लो, 1.414213562370950 समथिंग समथिंग समथिंग। अब बताओ रेशनल है कि इरेशनल? इरेशनल। इसी ढंग से पाई की अगर हम भाई लोग की बात करें, 3.141592 65 समथिंग समथिंग समथिंग, ये दोनों इरेशनल है यार। लेकिन यही रूट टू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 मान लिए तो ये आपका रेशनल है। यहां पाई 3.14, ये आपका रेशनल हो गया। अब यहां पर निकालने में कोई तरह का दिक्कत, किसी को तकलीफ नहीं? तो आर्किमेडिस साहब सबसे पहले रूट टू का वैल्यू निकालना सिखाए थे, 1 + 1/3, 1/4, 1/3, -1/34, 1/4 गुने 1/3। इससे हम इजी तरीका बताते हैं ना, रूट निकालना ये आम बात है। देखो रूट निकालना मैं सिखा देता हूं अप्रोक्सीमेट का। जैसे यहां पर √10 है, दुनिया की कोई भी रूट निकालने के लिए n² + a लिखेंगे, तो इसकी रूट, सॉरी ऐसे लिखो, a रूटे में लिखो, a² + b के फॉर्म में हो तो a + b/2a होगा, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। लेकिन ये दो अंक में काम करता है, यहां पर a² - b तो a - 1 और 2a - 1 2a - b/2a, ये आपका फास्ट हो गया, कोई तकलीफ नहीं। जैसे √10 है, 3 के² + 1 लिखेंगे, यहां 3 और 1/6 यानी 3.16। इसी ढंग से अगर √15 है, 4 के² - 1 तो 3 4 × 8 - 1/8 यानी 3 7/8 यानी 3.8864, 8 7 56, 8 5 40, ये आ गया तुम्हारे पास। तो रूट निकालना बिल्कुल आसान। अब दो के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। देखो इरेशनल नंबर निकालना है, मजा लो। देखो मैथमेटिक्स से जब तक तुमको प्यार नहीं होगा तो हम तुमसे चैन तुमसे नहीं रहने देंगे। 1/7 को हल करोगे तो 0.142857 समथिंग 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 चलते चला जाएगा, और 2/7 को करोगे तो ये दुगना हो जाएगा, तो 0 14 × 28, 28 × 56 और 57 × 14, ये आते चला जाएगा। यहां पर 28 57 14 पर एक रिंग, 14 28 57 पर एक रिंग। अब इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, 0.142857 57 से बड़ा रखना होगा दोस्तों, बड़ा रख दो ना। अरे क्या मजा लेते हो, मजा ले लो ना, लेते चले जाओ। ये पहला, दूसरा इससे थोड़ा सा और अधिक रख दे यार, हम समझते हैं कि रखने आगे तुमके पास, लेकिन इस पे ऐसा रखना ना जो अब हम लोग एक्सरसाइज की डिस्कशन, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 1.3 का, क्योंकि हम लोग वादा किए थे कि शुरू का 13 मिनट पढ़ाएंगे, उस पर क्वेश्चन देंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, 36/100 है, इसको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, 0.36 आ गया ना। यहाँ 1/11 भागा देना डायरेक्ट सीख मेरे भाई, 0 बार में लगा नहीं लगा ना, पॉइंट लगाया 0 हो गया, लगा क्या नहीं लगा, अब ये हो गया 99।
99 फिर एक आया और 0.9999999999 आते चला जाएगा, आते चला जाएगा। यानी कहने का सेंस कि एक भागा ग्यारह, सॉरी 11 भागा एक था, पॉइंट किए नहीं लगा, 0 बार में 11 99, एक आया फिर 0, फिर 0 बार में फिर 11 99। अरे भाई एक एक लिखना पड़ेगा, एक एक 11 99, ओ 9 बार 9 9 लिखना पड़ेगा, यानी 0.09 पर रेकरिंग है। यानी इसको सॉल्व किया तो 9 - 0, और यहां पर तुम्हारे पास 2 अंक पर रेकरिंग है तो 99, और कट किया तो 1/11। मजा आया क्या? अरे अभी मजा कैसे आएगा, अभी तो मजा देने वाले हो। 4 पूर्णांक 1/8 है, यहाँ 4, यहाँ पॉइंट हटाया 8 1 8, 8 होने से यहाँ 2 0 आ गया, 8 2 16, 4 8 5 40, 4.125। इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे मेरे भाई, बन जाएगा सर जी, बन जाएगा सर जी। अगला 1/7 कैन बी प्रेडिकेटेड, व्हाट इज द डेसिमल, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। 1/7 है ना, देखो ना, बात करो ना, क्यों नाराज हो? 1/7 को 0.142857 लिख सकते हैं, 2/7 यानी इसको 2 से गुना कर दो, 7 × 14, 5 × 10 = 11, 8 × 16 = 17, 2 × 4 = 5, और 14 × 28। समझ में आया क्या? इस पर रेकरिंग है तो इस पर रेकरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा है। 3/7 है, 3/7 इसकी 3 से गुना, सब दिया गाइस, 5 × 15 = 17, 8 × 8 = 24, 24 × 3 = 27, 8 × 2 = 3 × 6, 6 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, और 3 × 4 इस पर एक बनते चले जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, एक्सप्रेस द पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, 0.6 पर रेकरिंग यानी 6/9। अगला है 0.47 पर रेकरिंग, 47 - 4/90 यानी 10 × 43/90। अगला है 0.001 पर रेकरिंग है, 1/0.9999 था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कर सकते हो। आर यू सरप्राइज योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो चलो डिस्कशन करो 0.9999 को, तुम लोग ब्लॉक बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ, जल्दी दिखाओ ना, टाइम नहीं है मेरे पास दोस्तों, समय का किल्लत हमारे पास हमेशा रहता है। तो यहां पर तुम्हें मैथमेटिक्स की सही जानकारी 0.9999999999999999, इसको आपने एक्स मान लिया, अरे तो लगभग एक है ना यार, एक है, एक है, करने आ गया। अगला 1/17 को तुमको चेक करना है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, 3rd। अब यहां पर रेशनल इरेशनल को बचाना है, रूट अंडर 23, 23 जो है प्राइम नंबर है, खेला खत्म। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो वो रेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो इरेशनल हो जाएगा। चैप्टर तुम्हारा 1.3 एक्सरसाइज तुम्हारा बस बन गया, अगली क्लास में तुम लोग को बताऊंगा इसको, जो बचा हुआ रहेगा उसकी अगली क्लास में। अभी लेता हूं विदा, तब तक के लिए कल का वेट कीजिए,